माय सेकंड सामने मिनी मुझे आ जाए व्लॉग। टिकटॉक। शो अच्छा जी, सम मैंने ये लव। सोचा कि मैं वो व्लॉग अपलोड कर दूँ, मिनी व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ से मसला हो रहा होता है, बहुत से लोगों को ये मसला हो रहा होता है कि मैं तो पता नहीं कॉपी कर रही हूँ किसी को। मुझे क्या जरूरत है भाई कॉपी करने? भाई आपको देखनी होती है देखा करो, नहीं देखनी तो स्क्रॉल कर दिया करो। कोई कमेंट कर रहा था कि मेरी आवाज़ लटकों जैसी है, वो भाई हाँ है, मुझे नहीं पसंद अपनी आवाज़। मैं तो 10 दफ़ा वॉइस नोट भेज के अपनी आवाज़ दोबारा से सुनती हूँ। मुझे ऑफिस जाना था, तो मेरा बंदा जो था मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए निकला। पास में रिलाइज हुआ कि पेट्रोल बैंड हो गया, उसके बाद अचानक से मुझे रिलाइज हुआ कि मुझे तो भूख लगी है, भूख। और जो मज़ा सुबह को चावल चने खाने का है वो भी रेडी से है, वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने जो अपने बंदे से बड़ी तारीफ में सुनी दाल चावल वाले की, जो कि रशीदाबाद के पास होता है, उस दिन कुदरती वो वहाँ पर नहीं था, तो हम भी अपने रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जब तक मैं अपनी बेस्ती ना करवा लूँ मुझे चैन नहीं आता। मैंने कहा थोड़ा सा ट्रेंड कर लेते हैं, ट्रेंड करने लगे, बड़ी मिनटों से ट्रेंड करवाया, उसके बाद 4 बातें सुनी। फिर कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिंदगी में कि वो जब तक बेस्ती ना कर लेना हमारी हमें चैन नहीं आता, और जब तक हम उनसे हमें छेड़ ना लें, उन्हें तंग ना कर लें, तो हमें चैन नहीं आ रहा होता। सेम ऐसा ही केस मेरे साथ भी है। तो मैंने ठान ली थी कि आज मैंने चावल खाने ही हैं, सुबह तो खाने ही हैं। हम अपनी मंजिल पर रवाना रवाना थे कि अचानक से हमें रेडी नजर आई। चावल मज़े से हमने नॉश फरमाए, और यकीन माने मज़े का टेस्ट था, बहुत मज़े के चावल थे। यहाँ 9 नंबर का जो पुल है उसके नीचे खड़ा हुआ होता है एक रेडी वाला, और मैं भी मुल्तान के रहने वाली हूँ, लोगों ने टेस्ट किया हो, लेकिन मज़े के थे, टेस्ट बहुत मज़े का। डीडी जो थी ना वो खा खा के फुल हो गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो खाया हुआ जा कहाँ रहा है। कैमरा मेरा फुल टाइम ऑन था और बंदा मेरा कह रहा था कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे। लेकिन खैर मुझे पता था ये बातें सुनेंगी, और सही बताऊँ तो जो मज़ा इस लड़ाई में और इस बातें सुनने में ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। मेरी अम्मी कहती हैं कि 16 ही मरे होंगे और तू पैदा हुई हो, तो मेरा बंदा जो है वो इस बात से फुल टाइम एग्री करता है। मिनटों मुरादों के बाद बर्तन और बोतल वापस करने के बाद हम अपनी मंजिल को चले। फैनों के भरा वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते करो, नहीं पैसे लगते थोड़े, पता लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, कहते हैं आपके फॉलोअर्स तो हमसे भी कम है, शर्म से डूब मरने को दिल करता है। फिर जी हम ऑफिस पहुंच गए, हमारा ब्लॉग छोटा छोटा सा एंड हो गया। बाय बाय।